अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू कुवारी की चटनी जो हम अक्सर शादियों में खाते हैं। आज हम उसी तरह की सेम चटनी घर में तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। एक पाव आलू कुवारा लिया है मैंने, इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। चीनी ली है मैंने 2 कप, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सिरका लिया है 1 टीस्पून, इलायची पाउडर लिया है 1 टीस्पून, रेड कलर लिया है मैंने चुटकी भर, उसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। बादाम मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद, चारे मगज लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून, 2 ग्लास मैंने पानी लिया है। अब इस पे डाल दें आलू कुवारा। दो ग्लास पानी, फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इस पर कवर करके छोड़ दूंगी उबाल आने तक। उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी डालकर मैं इसको मिक्स करती रहूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। उबाल आ चुका है, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें सिरका डाल देंगे। इलायची पाउडर, ब्लैक पेपर, बादाम, चारे मगज, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें रेड कलर मिक्स कर दूंगी। अब 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। 10 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। ये देखें, हमारी चटनी ठीक हो चुकी है। आलू बुखारे की चटनी रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं एक डिश में इसको डाल दूंगी। अब हम इसको डिश में डालेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारी आलू हवारे की मज़ेदार चटनी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।